अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने स्टार्ट में एक वीडियो देखा है प्रीव्यू के तौर पर। अगर आप इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहती हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। बहुत इजी है इस तरह का वीडियो क्रिएट करना। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है ना, हमें कैपकट ऐप की ज़रूरत पड़ती है। कैपकट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको कैपकट ऑन करने के लिए किसी भी एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी डाउनलोड करके उसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आपने क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास कोई ना कोई ब्राउजर ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जो है ना आपको ये वाली एक वीडियो नजर आएगी जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन आपने नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहां पर आएगा नजर यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट। ठीक है, यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट जैसे नजर आए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपने यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। यूज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी कोई भी एक वीडियो अभी लगा लेते हैं। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये लोडिंग लेगा। जब ये लोडिंग 100% हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी 50% वीडियो क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा वीडियो कुछ इतना क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट क्रिएट नहीं हुआ है। आगे आपने वीडियो को लाजमी वॉच करना है। अब यहाँ पर ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कर लेना है एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क करते ही यहाँ पर ये सेव होना शुरू होगा और उसके बाद 100% यहाँ पर सेव होगा। जब ये 100% सेव होगा तो ये आपके पास जो है ना कैपकट ओपन शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने कैपकट ऐप को ओपन नहीं करना है, बल्कि अपने सारे जो टैब हैं इनको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर ये 100% हो जाए, उसके बाद जो है ना हम इसे क्लोज करते हैं। इन टैब्स को क्लोज करने के बाद आपने दोबारा से फिर कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये 100% हो गया है। 100% होते ही ये कैपकट पर जा रहा है, लेकिन हम इस तरीके से जो है ना इसको इस तरीके से रिमूव कर देते हैं, कैपकट को भी यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, दोबारा से कैपकट ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास कैपकट ओपन हो गई है। यहाँ पर हम इसे जो है ना डिस्कार्ड करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर आते हैं। यही वीडियो हमारी जो है ना यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है, अपनी गैलरी में। गैलरी से उसको सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखें आपके पास ये वीडियो आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है म्यूजिक के ऑप्शन में। यहाँ पर आपको जो है ना साउंड का वॉल्यूम का ऑप्शन नजर आएगा, वॉल्यूम को आपने सिलेक्ट करना है। इसका वॉल्यूम 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके करना है। लास्ट में आना है, लास्ट में आपको कैपकट का वाटरमार्क नजर आएगा, इसे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे। वीडियो का बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साउंड के नाम से। वहां से साउंड वाले लिंक पे क्लिक करके आप एक वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर एड ऑडियो का ऑप्शन है, एड ऑडियो में। एड ऑडियो में आने के बाद यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्टेड को सिलेक्ट करना है। एक्सट्रैक्टेड को सिलेक्ट करके आपने जो है ना उस साउंड वाली वीडियो को यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करके करेंगे इंपोर्ट साउंड ओनली, तो यहाँ पर आपका साउंड ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी, जो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। लास्ट में आपने अपनी वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी।